जय हिंद। एक वीडियो में हम आपको बोले थे कि लोगों को अपनी पत्नी का दिमाग और जीएसटी समझ में नहीं आता है। इस वीडियो में दोनों समझा देंगे, साथ ही जीएसटी क्या होता है, जीएसटी के कितने टाइप होते हैं और जीएसटी इन क्या होता है और जीएसटी एन क्या होता है, इनपुट जीएसटी क्या है, आउटपुट जीएसटी क्या है, चार टाइप की जो CGST, SGST, ITGST, UTGST ये सब क्या है, जीएसटी के स्लैब कितने होते हैं, जीएसटी की बिलिंग कैसी होती है, A to Z आपको इसमें मिल जाएगा। इसके बाद आपको जीएसटी से कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जीएसटी कहता है कि एक देश एक टैक्स होना चाहिए, लेकिन ये अधूरा सत्य है। देखिए, टैक्स जो होता है ना, वो गवर्नमेंट के लिए एकदम उसका अधिकार है। गवर्नमेंट के पास पैसे का एक ही स्रोत है, जो मेन सोर्स है वो टैक्स है। और टैक्स दो तरह से होता है, एक डायरेक्ट टैक्स जो आदमी से ले लिया जाता है, व्यक्ति से, और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो किसी चीज़ के खरीद बिक्री पर लगता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स भी कई तरह के होते थे। कस्टम ड्यूटी होती थी, कोई विदेश से सामान मंगा दिए तो एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, वैट, जिसमें वैट बहुत ज़्यादा फेमस था। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है, यहां तो आपको 4-5 दिखा रहे हैं, ऐसे 17 टैक्स। तो इन 17 टैक्सों को आपस में मर्ज कर दिया गया और जो ये इनडायरेक्ट टैक्स था, इनडायरेक्ट टैक्स को खत्म करके इसी के जगह पे लाया गया जीएसटी। तो जीएसटी भी क्या होगा, एक इनडायरेक्ट टैक्स होगा। तो आप बताइए, क्या ये वन नेशन वन टैक्स हुआ? ये तो केवल इनडायरेक्ट टैक्स को घटाया, डायरेक्ट टैक्स में कोई भी बदलाव नहीं है। आज भी आपको डायरेक्ट टैक्स देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉर्पोरेशन टैक्स जो होता है, निगम कर, वो काफी ज्यादा उससे इनकम होता है। तो डायरेक्ट टैक्स में नहीं, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये आपका जीएसटी, और ये खरीद बिक्री पर आपको देना पड़ता है। अब बात करते हैं कि ये जीएसटी देना किसको पड़ेगा, तो तीन ही लोग को देना पड़ेगा, ध्यान से समझिए, जिनका सालाना टर्नओवर लेन देन 20 लाख का है। देखिए, ये 20 लाख प्रॉफिट नहीं है। मान लीजिए कि हमने कभी 20 लाख का माल मंगाए और 20 लाख के सामान को बेचे और हमको 21 लाख हुआ, तब तो हमारा तो लेन देन ही वाला ही 20 लाख हो गया। अब आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है इससे मतलब नहीं है। आप 20 लाख वाले कैटेगरी में आ गए, आपको अब जीएसटी भरना पड़ेगा, पहला। दूसरा कि अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में 1 रुपया का भी सामान का व्यापार करिएगा ना, तो वहां आपको जीएसटी लग जाएगा, वहां ये 20 लाख वाला हिसाब भूल जाइएगा। उसके बाद एक और चीज होता है, ऑनलाइन अगर आप ई कॉमर्स करते हैं ऑनलाइन, चाहे वो 10 रुपये का भी होगा तो आपको जीएसटी लगेगा। जोमेटो को देखिएगा, 50 रुपये का भी सामान मंगाएंगे तो उसमें जीएसटी लगेगा। ये 20 लाख का जो रेशियो है, ये पहाड़ी क्षेत्र जैसे अरुणाचल प्रदेश वगैरह, वहां 20 लाख के बिजनेस का मतलब बहुत बड़ा दुकान हो जाएगा। तो वहां पहाड़ी एरिया में जनसंख्या कम होती है, तो वहां पर कुछ पहाड़ी वाला एरिया, वहां ये इसकी कैटेगरी 10 लाख ही रखी गई है, तो वो स्पेशल केस है, जनरल नहीं है। ये तीन लोग को आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। अब किसी की छोटी दुकान है, होटल वगैरह है, 20 लाख चलता नहीं है, तो वो कायली जीएसटी लेगा। जीएसटी पर इतना बवाल क्यों हो गया था? क्योंकि जीएसटी के टोटल 4 टाइप है और लोगों को लग गया कि हमको चारों का चारों टाइप देना है। गलत है, आपको केवल 2 टाइप का जीएसटी देखना है। देखिए, जीएसटी जो है ना, CGST, SGST, UTGST और IGST। अब इसका CGST का मतलब क्या होता है? सेंट्रल जीएसटी। S का मतलब क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट ले जाएगी। यूटी का मतलब होता है केंद्र शासित, यूनियन टेरिटरी का जीएसटी है। उनको भी तो भैया दिल्ली गवर्नमेंट को पैसा कहां से आता है? स्टेट तो है नहीं दिल्ली, दिल्ली क्या है? यूटी। तो यूटी जीएसटी से उनका पैसा आता है। और इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी आईजीएसटी, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाएंगे। तब एक एक करके समझिए। मान लिया कि आप सेम स्टेट में कोई बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मान लिया कि आप बिहार में हैं, तो बिहार में ही आपका लेन देन है, तो आप सेम स्टेट में आएंगे ना, तो आपको कोई 2 ही टैक्स देना पड़ेगा, एक CGST देना पड़ेगा हर हाल में और एक SGST देना पड़ेगा। मान लिया कि कोई सामान है जिस पर 18% टैक्स है, तो लोगों को टेंशन क्या लगा था कि 18% टैक्स है, सेंट्रल जीएसटी यानी CGST 18%, SGST 18, फिर UT 18, इंटीग्रेटेड 18 करके पगला गए लोग, भाई साहब बचेगा क्या मेरा? गलत है भाई साहब, आपको कोई 2 ही देना है। कौन देना है? CGST, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी, क्योंकि सेंट्रल का हिस्सा, भाई सेंट्रल का हिस्सा तो पूरा हिंदुस्तान ही है, वो सेंट्रल के अधीन आएगा, आप चाहे बिहार में रहिए चाहे केरला में रहिए, तो CGST ले जाएगा। अब बचेगा स्टेट, तो आप किस स्टेट में, अभी हमने बोला एग्जांपल में बिहार, तो बिहार ले जाएगी। अब बात लोग कहां कंफ्यूज हो गए कि 18% सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी, 18% बिहार गवर्नमेंट ले जाएगी, ससुरा हो जाएगा 36%। गलत बात है भाई, 18% टोटल जीएसटी है, जिसमें से 9% सेंट्रल जीएसटी लेगा और 9% स्टेट जीएसटी लेगा। तो लोगों को इतना भयंकर भयंकर कंफ्यूजन था, लोगों ने तो 4 गुना सोच लिया था, इसलिए विरोध करने लगे। जैसे यहां पर एक बिल है, अब आप इस बिल में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहां देखिए, आपको यहां स्पष्ट लिखा है कि जीएसटी 18% है। अब ये 18% आया है 25 रुपया, लेकिन उसी को नीचे स्पष्ट लिख दिया है कि इसमें SGST 9% है और CGST 9%, यानी 9 9 जोड़कर 18 होता है। ऐसा नहीं है कि
18% CGST भी और 18% SGST भी, तो अब तो 36% हो जाएगा। ये हर एक स्टेट में यही रूल लगता है। अब गुजरात में भी क्या होगा भैया, गुजरात का भी एरिया तो किसके अंडर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के है, तो CGST लेगा और गुजरात अपना SGST ले जाएगा। लेकिन वैसे राज्य जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पांडिचेरी, दिल्ली, तो दिल्ली क्या है, वो स्टेट है ही नहीं है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, स्टेट के जगह आपको यूनियन टेरिटरी लिख देना है। अब दिल्ली भी जो है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है ना जी, तो दिल्ली वाला में भी अगर आप दिल्ली में सामान बेच रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएंगे, तो दिल्ली भी आपसे क्या लेगा, आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी CGST। और दिल्ली SGST तो ले ही नहीं सकता है क्योंकि वो स्टेट तो है ही नहीं है। दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी है, तो केवल यहां शब्द का फेर है। दिल्ली कहेगा कि भैया हमारा UT GST दो, तो जो UT GST है वो सेम टू सेम SGST है। अगर पूरा कंप्लीट स्टेट है तो SGST, केंद्र शासित है तो UT GST। ये स्टेट और UT क्यों होता है ये हम आपको पॉलिटी में पढ़ाएंगे। और यहां भी वही होगा कि अगर 18% टोटल GST है तो 9% CGST और 9% UT GST लेगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान चला गया तब, तो उसे कहते हैं IGST यानी इंटीग्रेटेड GST। इंटीग्रेटेड GST तभी लगेगा जब एक राज्य से दूसरे राज्य में आपका सामान जाएगा, तब, अदरवाइज नहीं लग सकता। अब यहां एक कंफ्यूजन सबसे बड़ा, जैसे कि मान लिया कि कोई सामान राजस्थान में बन रहा है और वो चला आया आपका बिकने के लिए उत्तर प्रदेश UP में चला आया, तो होता क्या है कि भाई राजस्थान भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है और यूपी भी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र देश के तो अंदर ही है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो CGST लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ दोनों राज्य झगड़ा कर लेगा, राजस्थान कहेगा कि टैक्स हम लेंगे, यूपी कहेगा कि हम लेंगे, दोनों में हो जाएगा बवाल। तो इसलिए कह दिया जाता है कि भैया एक काम करते हैं, यहाँ पर राजस्थान को तो प्रॉफिट इस बात का है कि कंपनी उसके कारखाना वहाँ लगा है, वहाँ से बिक के आया है, और यूपी कहेगा कि भाई मेरे यहां लगा है, हमको फायदा होना चाहिए। यही हो गया झमेला, तब यहां लगा दिया जाता है, कहा जाता है कि ना भैया CGST भी नहीं लगेगा, SGST भी नहीं लगेगा, UT भी नहीं लगेगा, सीधे लगेगा इंटीग्रेटेड GST, IGST। इंटीग्रेटेड GST एक्चुअल में CGST और SGST का ही एक संयोग है। इसमें क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, कहेगी कि भैया जो 18% GST ना, सीधे तुम राजस्थान हमको दो। अब वो GST कौन लेके चल जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उस 18% में से 9% अपना रख लेगा। उसके बाद देखेगा कि समन्वय बिका कहां पर है, मेन डेस्टिनेशन कहां है, यूपी, तो यूपी को 9% दे देगा। लो, राजस्थान सरकार मुंह देखेगी, टुकु टुकु से जरा हमको ना दिया। इसीलिए IGST को डेस्टिनेशन GST भी कहते हैं, क्योंकि ये वहीं लगता है जहां सामान का असली गंतव्य यानी डेस्टिनेशन है। इससे फायदा क्या हुआ, देखिए राजस्थान को फायदा यह हुआ कि वहां सामान बना था, उसे रोजगार मिल गया, और यूपी को फायदा यह हुआ कि सामान अल्टीमेट यहां बिकने आया था, इसलिए इसको टैक्स मिल गया। पहले यह व्यवस्था नहीं थी। अब हम आपसे एग्जांपल लेते हैं, कोई सामान दिल्ली में बना, तो दिल्ली में जैसे बन के दिल्ली में बिकेगा तो एक ठो तो ले जाएगा CGST, और दिल्ली चूंकि यूनियन टेरिटरी है इसलिए दिल्ली में ही बिक गया तो वहां लग गया UT GST। लेकिन दिल्ली में बनकर, जैसे मेरा ये जो पैनल जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें, इसका मैन्युफैक्चरिंग यूपी के नोएडा में हुआ, ठीक है, तो नोएडा में हुआ तो नोएडा तो यूपी में आ जाता है, तो नोएडा में जैसे हुआ तो नोएडा में होने की वजह से वहां लगेगा CGST, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन हम इसको यूपी से उठा के बिहार के पटना लेते हैं, ले भाई, तो अब जैसे पटना ले गए तब क्या हो जाएगा, IGST, इंटीग्रेटेड GST। इसमें क्या होता है कि इस पर जो टैक्स लगा था उसका सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, और चूंकि ये आया है बिहार में तो कौन ले गया, बिहार सरकार टैक्स ले जाएगी। तो IGST उसी को दिया जाता है जिस राज्य में वो सामान जा रहा है। इससे बहुत ज्यादा फायदा होते हैं, दो फायदा पहले ध्यान से समझिए। पहला कि जिस राज्य के लोग उपभोग कर रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं, उसी राज्य को टैक्स दिया जा रहा है, पहला फायदा। दूसरा फायदा यह है कि अब पूरे कंट्री में एक जैसा टैक्स लगेगा। आप पहले पुराना तरीका समझिए क्या होता था, पहले कोई सामान अगर राजस्थान में बनी है कोई भी चीज, तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लेती थी। अभी वही जगह ले लिया है CGST। अब हर राज्य जो थे अपने अपने मर्जी से टैक्स लेते थे। यूपी लेता था 12% से सर्विस टैक्स, तो बिहार लेता था 14%। अब आप बताइए, किसी सामान पर अगर यूपी में 12% टैक्स है, तो वही सामान पर अगर बिहार में 14% है, तो बिहार में सामान
राशन महंगे हो जाएंगे, इसलिए बिहार के लोग वैसे जिला जो यूपी से सटा रहता था वो सामान खरीदने यूपी चले आते थे, पेट्रोल भरवाने आज भी यूपी चले आते हैं लोग, थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है क्योंकि पेट्रोल जीएसटी के बाहर है, वो अभी हम समझाएंगे। तो पहले कंपनियां क्या हो गई कि गुजरात सरकार होशियार निकली इसमें, गुजरात सरकार ने कहा कि भैया हम टैक्स सबसे कम लेंगे, हमारे यहाँ आ जाओ, सारी कंपनियां धड़धड़ा के घुस गई गुजरात में। अब पहले सारा का सामान, सारा सामान गुजरात में बनाती थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देती थी एक्साइज ड्यूटी, और गुजरात को देती थी सर्विस टैक्स, और गुजरात से बना बना के पूरा हिंदुस्तान बेचती थी लोग, बाकी लोग चुपचाप देखते रहते थे कि गुजरात से आया है, हमको ना टैक्स मिला ना कुछ। अब फायदा जीएसटी से होगा कि भैया तुम गुजरात में बनाओ, अब गुजरात में बनाओगे तो गुजरात सरकार का वो तो वहां ले जाएगी, पहला सीजीएसटी ले जाएगा, और जैसे आप बेचिएगा दूसरे स्टेट में, मान लीजिए गुजराते में बेच दीजिए, तो गुजरात सरकार तो एसजीएसटी ले लिया। लेकिन अगर गुजरात से आप सोचेंगे उड़ीसा बेचे, जैसे स्टेट चेंज किए सारा झमेला खत्म, सीधे आ गए आईजीएसटी पे। आईजीएसटी में सरकार उठा लेगी, 18% में है तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रख लेगी, और 9% उड़ीसा को दे देगी, ले भैया तुम भी विकास करो, तुम क्यों पीछे रहोगे। गुजरात सरकार टुकुर टुकुर मुंह देखेगी, सोचा ले गई लोग। इससे फायदा क्या हुआ, देखिए सबको अपना हक मिल गया, गुजरात को रोजगार मिला, उड़ीसा को टैक्स मिला, और सेंट्रल गवर्नमेंट का तो हर हाल में भैया उसके दोनों हाथ में लड्डू है, चाहे गुजरात बनाओ चाहे उड़ीसा, कहीं भी बनाओ आओगे तो सेंट्रल वाले एरिया में। पहले यही जो था, इसीलिए पहले के ज़माने में फैक्ट्रियां गुजरात महाराष्ट्र में भाग गई, गुजरात महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा था, उन लोगों ने अपना टैक्स का जो रेशियो था घटा दिया, इसलिए सारी कंपनियां भाग गई। अब सारी कंपनियां नहीं भागेंगी, अब कंपनियों को दिखेगा कि भैया अब तो हर जगह टैक्स बराबर है, तो हम गुजरात में बना के हम असम में क्यों बेचेंगे, हमारा ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा, उससे अच्छा कि हम एक छोटा सा कारखाना गुजरात में लगा देते हैं जो इस एरिया को कवर करेगा, और टैक्स उतना ही है तो एक आसाम में भी लगा देते हैं, इस एरिया को डेवलप करेगा। तो अब भारत में आने वाले 30 से 40 साल में आप एक जैसा विकास देखिएगा, नहीं तो पहले लड़खड़ा गया था कि भैया ये एरिया बहुत डेवलप है, इस एरिया को लोग ध्यान ही नहीं दे रहे थे, और जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी सब, जो विदेश से आती थी सब भारत में, उनको कन्फ्यूजन हो जाता था कि उनका जो कार है, मान लीजिए अमेरिका की कोई कंपनी है कार बनाती है टवेरा सेवरलेट की, तो दिल्ली में उस पर है 12% टैक्स, बिहार में ससुरा 18% टैक्स। अब आप बताइए एक ही कंपनी के कार पर दिल्ली में टैक्स कम देना है तो उसको फायदा ज़्यादा होगा, और बिहार में टैक्स ज़्यादा देना है तो कंपनी को फायदा कम होगा। तो विदेश में बैठे वाले सब कहते थे ससुरा ही हिंदुस्तान है कि क्या है, एक एक कारवा बेचते हैं, कहीं बेचते हैं तो ज़्यादा फायदा आता है, कहीं बेचते हैं तो कम फायदा आता है। तो विदेश वाले जल्दी भारत में आना नहीं चाहते थे, सब इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, कि भैया ये को देश है 28 गो राज्य सोच रहा 28 तरह का टैक्स है, हम पगला जाएंगे टैक्से जोड़ते जोड़ते, उससे अच्छा चलो चाइना चलो। तो इस तरह से आईजीएसटी आ गया। अब आईजीएसटी का बिल देखिए, जैसे ये वाला अगर आप बिल देखिएगा तो इसमें आपको कहीं ये सब कुछ नहीं लिखा है, यहाँ सीधा लिखा है जीएसटी, और आईजीएसटी कितना 18% है, इसमें से 9% सेंट्रल रख लेगी और 9% उस राज्य को भेजेगी जहां पर ये सामान बिकने के लिए गया है। आप बताइए, हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, हम बिहार में 100 ठो कोई सामान बनाए 100 पीस, अब उस 100 पीस पे तो 100% है कि सीजीएसटी लगेगा ही, और उस 100 ठो में से 40 सामान हम बिहार में बेच दिए तो क्या लग गया उस 40 पे एसजीएसटी, और 60 सामान अब बचा 60 सामान तो उसमें से 10 ठो यूपी भेज दिए, जैसे यूपी भेजे उस 10 पे लगेगा आईजीएसटी, 50 ठो को झारखंड भेज दिए, जैसे बिहार का लॉस किया आईजीएसटी, यानी राज्य क्रॉस करेंगे तो आईजीएसटी लगेगा, उसी राज्य में है तो भैया सीजीएसटी दे दीजिए और एसजीएसटी दे दीजिए, अगर वो राज्य यूटी निकला केंद्र शासित तो सीजीएसटी दीजिए और यूटीजीएसटी दे दीजिए, जैसे स्टेट चेंज करेंगे तो आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी कुछ नहीं है बल्कि सीजीएसटी और डेस्टिनेशन वाले राज्य का एसजीएसटी का मिला हुआ रूप है। तो किसी भी लोगों को दिक्कत क्या आ गया था, लोग विरोध क्यों करने लगे थे, उनको लगा था कि हमको चारों देना है भैया चारों, तो लोग चार गुना सोचने लगे थे। अब आप बताइए, अब पूरे इंडिया में एक जैसा टैक्स आ गया कि नहीं, मतलब पूरे किसी भी सामान पे, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई मोबाइल लेना है तो उस पर 18% टैक्स है, तो आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं लीजिए सेम ब्रांड के चीज का सेम मिलेगा आपको, वो रिटेलर में थोड़ा मोलाई का रेट अलग हो सकता है, लेकिन अगर जैसे कार है कोई लग्जरी कार 28% टैक्स है, आप दिल्ली में लीजिए या कन्याकुमारी या कश्मीर कहीं भी लीजिए चेंज हो जाएगा,
जाएगा क्योंकि वो जीएसटी में आ गया है। अब पेट्रोल जीएसटी में नहीं आया है, आप दिल्ली में पेट्रोल लेंगे तो अलग होगा, गुजरात में लेंगे तो अलग होगा। शराब जीएसटी में नहीं आया है, दिल्ली में शराब का रेट अलग है, यूपी में शराब का रेट अलग है। तो जैसे जीएसटी आ जाता है पूरा हिंदुस्तान में रेट सेम कर देगा। और एक और चीज जो गवर्नमेंट समझा नहीं पाई वो आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी। जैसे मान लीजिए कि हम एक दुकानदार हैं, हम कोई सामान खरीद के लाए, 100 रुपये का सामान खरीद के लाए तो उस पर 10% जीएसटी था, सपोज कीजिए कि 10% था, तो हमको वो सामान कितने का पड़ेगा, 110 रुपया। यहां हमने जीएसटी के रूप में कितना दे दिया, 10 रुपया यहां दे दिया। अब उसी सामान को हम दूसरे को बेचेंगे तो हमको इसमें प्रॉफिट भी जोड़ना है, तो हम सोचेंगे यार हमको तो खुद 110 का पड़ा है, एक काम करते हैं इसको हम बेच देते हैं 150 रुपये में। जैसे 150 रुपये में बेचेंगे जो खरीदेगा हमसे वो फिर हमको जीएसटी देगा इस पर 10%, तो 150 पे 10% जीएसटी जोड़ देंगे तो हमको मिल गया 165 रुपये। अब आप बताइए 10 रुपये हम यहाँ जीएसटी दिए ही हैं अपने जेब से, और वो बंदा जो हमसे खरीदा है वो भी 10% यानी 15 रुपये यहाँ जीएसटी दे दिया, 150 का तो जीएसटी 15 रुपये ना पड़ेगा, 10% यहाँ दे दिया, तो क्या करें हम, ये 15 रुपये भी गवर्नमेंट को दे दें और जो हम खुद खर्चा किए थे वो भी दे दें? नहीं है। देखिए ये हमने अपना जीएसटी लगाया है, ये आउटपुट में जीएसटी है, तो अब जो हम यहां जीएसटी देंगे वो ये है कि 15 रुपया में से हम अपना घटा लें 10 रुपया, तो कितना, 5 रुपया। ये जो ग्राहक हमसे खरीदा है वो जीएसटी के रूप में हमको दिया है 15 रुपया, लेकिन इसी सामान पर हमने जीएसटी पहले से 10 रुपया भर चुके हैं इनपुट के रूप में, तो अतः अब हम कितना देंगे यहां वाले सेल पर, 5 रुपया, यानी टोटल जीएसटी कितना देना पड़ गया, जब हम खरीदे तो 10 रुपया और यहां पे से हम वो 10 रुपया को घटा लेंगे 5 रुपया यहां, यानी टोटल हमको कितना देना पड़ गया भैया, 15 रुपया ही देना पड़ गया। तो लोगों को लगता था, विरोध इसलिए करते थे कि सेम सामान वहां पर यहां भी 10 रुपया देंगे और सेम सामान पे यहां भी 15 रुपया देंगे, तो जो वो सोच रहे थे लोग उस हिसाब से तो 25 रुपया जीएसटी लग जाएगा, बहुत महंगा पड़ जाएगा। और अभी जबकि गवर्नमेंट जो नियम लगाई थी वो बेहतरीन नियम था कि जो आप दे दिए उसको मत जोड़िए, जैसे जैसे आप जितना स्टेप पे बेचिएगा जो जीएसटी कलेक्ट करिएगा तो पिछला वाला घटा लीजिएगा वहां पर, तो यहां 15 रुपया कलेक्ट हुआ तो पिछला घटा दीजिए कितना, 10 रुपया, तो 10 तो ये ऑलरेडी आप दे चुके हैं गवर्नमेंट को। अब ये मान लीजिए कोई सामान खरीदे तुरंत थोड़ी बिक जाता है, 2-3 महीने बाद बिकता है, तो यहाँ जैसे खरीदे 10 रुपया बेच दिए, दे दिए थे, अब 2 महीने बाद जब बेचे तो आपको कलेक्ट हुआ कितना रुपया, 15 रुपया, तो आप 10 वाला घटा लीजिए, बचा कितना, 5, ये भी 5 दे दीजिए, तो टोटल आपने कितना पेमेंट किया, 10 रुपया इनपुट के रूप में, 5 रुपया नेट जो अभी दे रहे हैं 15 रुपया, तो आप अपना प्रॉफिट सोचिए। आप 165 में बेचे जबकि आपकी खरीद थी 110, तो 165 में से 110 कर दिए, घटा दिए, तो आपको प्रॉफिट आया 55 रुपये, लेकिन ये नेट प्रॉफिट नहीं है, इसमें अभी आपको 15 रुपया टैक्स वा लौटाना है ये वाला, तो ये आपको रिटर्न करेंगे ना तो आपको 40 फायदा होगा, और अगर यहाँ रिटर्न नहीं किए तब तो ये जीएसटी का घोटाला कर दिए, तो जीएसटी रिटर्न करना जरूरी है। जीएसटी के रूप में जो टैक्स होता है वो हमारे ही पास रह जाता है, जब हम बेचते हैं तो वो ग्राहक हम ही को देके चला जाता है, हमको गवर्नमेंट को रिटर्न करना पड़ता है, तो जिसे हम कहते हैं जीएसटी रिटर्न, शॉर्टकट में उसे कहते हैं जीएसटीआर। आर का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, रिटर्न से हो जाएगा। अब जीएसटी का जो रिटर्न करना होता है ना वो महीना में 3 बार करना है, मतलब आप 10-10 दिन पे हिसाब कर लीजिए, कितना अच्छा है, आपको भी लेंदी नहीं रहेगा, 10 दिन का हिसाब सबको याद रहता है, मुझे बानी। अब हमसे कोई कहेगा कि 2018 का हिसाब दीजिए, 2019 का हिसाब दीजिए तो पगला जाएंगे हम, और हमसे कोई कहेगा कि जुलाई का दीजिए वो भी 10-10 दिन का, तो मोटा मोटी याद रहेगा। तो ये कुछ लोग, इसके 2 पहलू, कुछ लोग कहते हैं कि यार महीने में 3 बार हिसाब करना पड़ेगा, और कुछ लोग कहते हैं कि भाई सही है छोटा छोटा हिसाब करना पड़ेगा। अब ये जो रिटर्न भरा जाता है वो 3 टाइम्स भरा जाता है मंथ में, कंपोजिशन स्कीम होता है, इसमें आपको उतना थोड़ा छूट मिलता है। ये सीए का काम है, जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो ये सोचता है कि जीएसटी R1 में करे, 2 में करे कि 2A में करे, ये आपका काम नहीं है। ये बिलिंग के अलग अलग हिसाब होते हैं, आप खरीदिएगा तो किस में जाएगा, आप उसी को बेचिएगा तो किस में जाएगा, तो ये आपका काम नहीं है, बस इतना समझिए। जीएसटीआर का मतलब होता है जो जीएसटी आप रखे हैं उसे रिटर्न करिए। अब जीएसटी के कुछ अलग अलग स्लैब हैं, जैसे कोई दवा खरीद रहा है बेचारा, उसकी जिम्मेदारी है, वो दवा नहीं खरीदेगा तो मर जाएगा बेचारा, उसकी बीमारी है, तो उस पर कम टैक्स लीजिए। कोई कार खरीद रहा है, ससुराल ज्यादा टैक्स लीजिए, कार जिंदगी के लिए जरूरी थोड़ी होता, लग्जरियस थिंग है, तो यानी जो जरूरी चीज है उस पर कम टैक्स, जो पढ़ाई उढ़ाई वाला चीज है उसको मीडियम लेवल का टैक्स, और जो ऐसो आराम की चीज है हुमच के टैक्स लीजिए, तो उसी को हम लोग कहते हैं जीएसटी के स्लैब। कितने स्लैब है, तो देखिए एक तो नील स्लैब
होता है 0%, वैसे चीज जिस पर टैक्स नहीं लगता है तो वो हो गया 0%। जैसे दूध, आप दूध निकालिए, गाय भैंस जितना रख लीजिए टैक्स नहीं लगेगा। खेती वाला चीज़ है किसान वगैरह को, उस पर GST देना ही नहीं है। आपको जितना गेहूँ है जितना गेहूँ ले जाइए, कोई टैक्स नहीं लगना है इस सब चीज़ों पर। लेकिन जैसे आ जाते हैं आप चाय पीजिएगा, आप इस 5% वाले में आएंगे तो आप कॉफ़ी लीजिएगा, कोयला खरीदिएगा, पैकेट पनीर खरीदिएगा, न्यूज़पेपर खरीदिएगा, तो ये सब चीज़ पर आपको 5% टैक्स देना है। तो वो वाले पे 0%, इस पे 5%। अब 12% पे कहाँ है, तो और अच्छा चीज़, घी खरीदिएगा, मक्खन खरीदिएगा, मोबाइल खरीदिएगा, बढ़िया बढ़िया चीज़ खरीदिएगा, जूस पीजिएगा, पैकेट वाला जूस नहीं देखते हैं, बड़ी बड़ी कोल्ड ड्रिंक वगैरह वाला, तो लीजिए वो सब लीजिएगा, तो आपको कितना परसेंट लग जाएगा भैया, आपका 12% लग जाएगा। और उससे भी अच्छा चीज़ पे जाइएगा तो कितना लगेगा, 18%। जैसे तेल लीजिएगा, हेयर ऑयल क्रीम लीजिएगा, थोड़ा रंगने के लिए क्या होता है लिपस्टिक लीजिएगा, लो भैया सा वो सब सारा भयानक भयानक चीज़ है, उस पर तो आपको कितना परसेंट लगेगा, 18%। अब देखिए इसमें भी तो आपको पता है ना कि 18% में आपका 9% CGST होगा, 9% SGST, 12 में भी 6 CGST, 6 वो, 5 में भी 2.5% होता है। ये जो है वो दोनों को मिला के होता है, समझ में आया ना कि नहीं। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे GST है तो 18% वाला ही जो कैटेगरी, उसमें ज़्यादातर चीज़ आते हैं। टोटल 1200 से ज़्यादा आइटम GST में आते हैं। क्या पॉसिबल है एक वीडियो में हम 1200 आइटम आपको गिनवा सके, मोटा मोटी समझाते हैं। अब आप बताइए, जो आपका कार है, सीमेंट है, या फिर जो आपका परफ्यूम है, कंडीशनर है, ये जो लग्जरियस थिंग है, मोटरसाइकिल हो गया आपका, ये सब चीज़ जो है, ये सब तो भाई शौखिया चीज़ है। तो शौखिया कर रहे हैं तो सरकार को भी थोड़ा शौक पूरा कर दीजिए। सरकार कहती है शौखिया कर रहे हैं तो 28% दीजिए यहाँ पर, तो ये टैक्स हो जाते हैं। तो देखिए सरकार भी तो आपका ख्याल रखती है ना, जो आपके बेसिक ज़रूरत की चीज़ थी उस पर कहाँ टैक्स लिया, जो ज़्यादा ज़रूरी थी उस पर कम लिया, शौखिया चीज़ पर ज़्यादा लिया, कहाँ गलत कर रही है गवर्नमेंट। देखिए होता क्या है ना कि इंडिया में एक समस्या है, हमको सब चीज़ फ्री में चाहिए, हाँ फ्री में मिल गया बहुत अच्छा भाई, हम जो टैक्स देते हैं इसी से गवर्नमेंट अपनी सेना का खर्च निकालती है, सड़क बनाती है, सब कुछ करती है, गवर्नमेंट अच्छा से भी ख्याल रखती है। अब कुछ ऐसे चीज़ है जिसे GST के बाहर रख दिया गया है, जैसे डीजल पेट्रोल को बाहर रख दिया गया है, इसलिए आप हिंदुस्तान में हर राज्य में जाइएगा तो पेट्रोल का रेट अलग अलग मिलेगा। अगर गवर्नमेंट GST के अंदर पेट्रोल को लाएगी तो उस पर मैक्सिमम कितना टैक्स लगा पाएगी, 28%, तो पेट्रोल का कितना हो जाएगा, 35 रुपया, तो गवर्नमेंट को घाटा लगने लगेगा। गवर्नमेंट बहुत महंगा पेट्रोल देती है, डबल ट्रिपल, तो उसी पैसों से तो आपको फ्री में राशनों देती है गवर्नमेंट। कोरोना का इलाज जरा हॉस्पिटल में जाइए ना, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप देखिए 2-3 लाख रुपए से कम नहीं लगेगा, आपका फ्री में इलाज करके देती है, कहां से दे रही है। तो आपसे जब ले रही है तो आपको खराब लग रहा है, तो जब दे रही है तो आप एक बार खड़े भी तो हो जाइए कि गवर्नमेंट आपको कोरोना में फ्री में इलाज करके दे रही है। आप जाइए 5-7 लाख रुपए दिल्ली में लगाएगा सर प्राइवेट हॉस्पिटल वाला, तो उसी सब पैसे से देती है। गैस जो होता है इसमें भी GST नहीं है, इसको भी GST के अंडर में लाएगा तो 28% करना पड़ेगा मैक्सिमम रेट में, तो फिर वो भी थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बिल देखिएगा, दिल्ली में बिल अलग है, सुनते हैं फ्री है, 200 यूनिट के नीचे में फ्री है। अब यूपी में अलग है, बिहार में अलग है, कमर्शियल रेट अलग है, डोमेस्टिक रेट अलग है, बिजली बिल भी अलग अलग आता है। और शराब तो पूछिए मत, कहीं GST ज़्यादा कहीं कम, तो देखते हैं हरियाणा में शराब थोड़ा ज़्यादा सस्ता है, यूपी में थोड़ा महंगा है, बिहार में शराब बंद है, कहने के लिए बंद है। देखिए एक तरह से बंद ही है, कोई खुलेआम नहीं पी सकता है। पहले जो शराब पी के बिहार में पुलिस के आगे कहते थे कौन है पुलिस, अब थोड़ा पी लेता है कोई, कहो ना पुलिस एकदम शराब नहीं पिए हम, तो ये डर जरूरी है। 100% कोई गवर्नमेंट नहीं सुधार सकती है। हाँ शराब इतना महंगा हो गया है बिहार में कि अब कोई नहीं कहता है कि आओ भाई बैठ के पियो, महंगा है, इलीगली बिक रहा है तो महंगा है, तो लोग चोरी छुपे पीते हैं, तो बहुत हद तक सुधार है। नहीं तो पहले लोग शराब पी के पत्नी को मोहल्ले में गाली गलौज करके समाज का स्टेटस गिरा देते थे। तो आप ये GST के स्लैब समझ गए, ये भी मोटा मोटी समझे कि कौन सा सामान को खरीदेंगे तो हम किस लेवल के टैक्स में जाएंगे। अब बात करते हैं कि GST IN क्या होता है। तो GST IN का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर। हम अपना GST जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो हमको एक 15 डिजिट का एक नंबर मिलेगा, जिसमें से बीच
वाला 10 डिजिट तो है मेरा पैन कार्ड है, ये बीच वाला 10 डिजिट पैन कार्ड है, शुरुआत के दो डिजिट होते हैं वो हमारे स्टेट को बताते हैं कि हम किस स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं, और लास्ट के ये तीन अक्षर ये उसका मशीन जो होता है ना जीएसटी का, वो अपने से एक यूनिक कोड बना देता है। तो ओवरऑल आपसे यही पूछेगा कि जीएसटी इन यानी आइडेंटिफिकेशन नंबर कितने अक्षर का होता है, तो 15 अक्षर का। अब ये सुना नंबर वा दिया कौन, तो जीएसटी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, उस जीएसटी नेटवर्क को शॉर्टकट में एन कहते हैं, जीएसटी नेटवर्क, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। तो यही नेटवर्क जो है इसी पर आपको जाके लॉगिन करते हैं तो एक हफ्ता के अंदर आपको जीएसटी नंबर दे देता है, आपका जीएसटी का पैसा कहां गया, कौन ले गया, यूटी जीएसटी है कि एसजीएसटी, ये सारा हिसाब किताब कौन करता है, जीएसटी एन यानी नेटवर्क। तो जीएसटी इन ये आपका नंबर है और जीएसटी एन यानी ये नेटवर्क है जो पूरे जीएसटी को कंट्रोल करके रखे हुए है। अब जीएसटी में कोई विवाद हो गया या फिर जीएसटी में कोई चेंजिंग करना है तो कौन करेगा, तो उसके लिए एक जीएसटी काउंसिल है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल समिति है, ये जो काउंसिल है इसकी बैठक होती है, इसके जो अब इस काउंसिल में टोटल मेंबर कितने हैं, 33 सदस्य हैं। अब ये एकदम सिंपल है, याद रखना, देखिए कैसे, जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं, जो वित्त मंत्री होते हैं, वो इसके चेयरमैन यानी अध्यक्ष होते हैं, अभी निर्मला सीतारमण है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक हो गया, और हर विभाग का एक राज्य मंत्री होता है, जैसे वित्त मंत्रालय का जो राज्य मंत्री है अनुराग ठाकुर जी हैं, तो ये दो लोग हो गए आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो एक यूनियन मिनिस्टर हो गए अध्यक्ष, जो उनके राज्य मंत्री है वो हो गए उपाध्यक्ष, तो ये हो गए। भारत में अभी 28 राज्य हैं, तो 2800 राज्य के वित्त मंत्री होंगे ना, तो 28 उनको लेके चले आइए, तो दो ठो सेंट्रल से हो गए 28, ये 30 हो गए। अब हिंदुस्तान में जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो वैसा केंद्र शासित प्रदेश की जिम्मेदारी तो खुद केंद्र सरकार की होती है, तो यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण तो बैठी हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी केंद्र शासित प्रदेश है जहां जनसंख्या ज्यादा होने के वजह से वहां विधानसभा का चुनाव कराया जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर वो भी शामिल होगा, दिल्ली वो भी शामिल होगा, पांडिचेरी वो भी शामिल होगा। तो तीन ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिनके पास अपनी विधानसभा है, अतः उनके भी वित्त मंत्री यहां पर आएंगे, तो उनको जोड़ दीजिए 3, तो 30, ये 3 33, सिंपल हो गया। अब मान लिया कि लद्दाख में भी अगर कल को विधानसभा बन जाती है तो 34 सदस्य हो जाएंगे, लेकिन जिस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है तो उसकी टोटल जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, तभी तो कहा गया है केंद्र शासित प्रदेश, और केंद्र की वित्त मंत्री बैठे रहती है, वो उसकी बात सुनेंगी ही, तो यही डिसीजन लिया जाता है कि टैक्स के स्लैब को बढ़ाया जाए या घटाया जाए। कल को ये भी कह सकते हैं कि भैया शिक्षा को आप लोग ने 18% टैक्स में जोड़ दिया है, तो ऐसा भी कर सकती है। मान लीजिए निर्मला सीतारमण को लगेगा कि नहीं शिक्षा 18% है, यह कोई लग्जरियस थिंग थोड़ी है, तो बहुत जरूरी चीज है, इसको 12% वाले में रख देते हैं, ताकि हम लोग को अगर 18% टैक्स देना है, आपसे ऑनलाइन लेते हैं हम लोग, तो किसी भी चीज पे 18% टैक्स देंगे तो जेन्युइन है कि भैया चार्ज ज्यादा लग जाएगा, तो फी को ये भी घटा सकते हैं, तो कौन घटाएगा, तो जीएसटी काउंसिल में घटाया जा सकता है इसे। अब कुछ ऐसे चीजें जो मतलब सबको नॉर्मल सबको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जीएसटी किस देश ने स्टार्ट किया था, तो 1954 में फ्रांस ने चालू किया था। हम लोग जो जीएसटी फॉलो करते हैं वो कनाडा का मॉडल फॉलो करते हैं, हमारा मॉडल कनाडा का है। किस समिति के सिफारिश पर, तो केलकर समिति के सिफारिश पर हम लोगों ने जीएसटी लाया। ये जो जीएसटी है इसमें 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सों को शामिल कर लिया गया है जीएसटी में। अगर कोई व्यक्ति जीएसटी का रिटर्न फाइल नहीं करता है, जो हर महीने 3 तो फाइल करना है, तो उसको अगर चोरी कर लिया जीएसटी तो 5 साल का उस पर जेल है। राष्ट्रपति ने इसे साइन कब किया था, तो 8 सितंबर 2016 को, तो 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने इसे साइन कर दिया। क्योंकि इसमें राज्यों के भी हित को रखा गया था, इसलिए संविधान है कि राज्य भी इस पे क्या करेंगे, सहमति देंगे। सबसे पहले कौन से राज्य ने सहमति दिया था, तो असम ने, सबसे बाद में तो जम्मू कश्मीर। इसे लागू कब कर दिया गया, सबको पता है 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में ये हमारा जीएसटी लागू हो गया है। जो जीएसटी में मेन संशोधन किया करना था वो आईजीएसटी को लेना था, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में कानून बनाना मुश्किल हो जाता है। तो कहेगा आईजीएसटी की चर्चा किस अनुच्छेद में, तो याद रखिएगा 269A में है। और जो जीएसटी के हुए विवादों को सुलझाने के लिए एक जीएसटी काउंसिल बनाया गया है, और इस काउंसिल में आप हर राज्य से मंत्रियों को बुला के लाए हैं, तो संविधान में कहीं ना कहीं जोड़िएगा कि नहीं। तो जीएसटी का जो काउंसिल है वो 279A में है, यहाँ पर समझ में आ गया आपका। तो ये 269A में आईजीएसटी है, और 279 में जीएसटी काउंसिल है। काउंसिल थोड़ा बड़ा है इसलिए इसका अनुच्छेद भी बड़ा है, और ये थोड़ा सा छोटा है, नंबर के हिसाब से तो छोटा ही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ आता है कि ससुरा जो जीएसटी था वो 101वां संशोधन था कि 122वां संशोधन था,
तो भाई ये दोनों सही है, लेकिन ये दोनों में बहुत बड़ा मिस्ट्री छुपा है, इसको समझिए। सरकार जब भी आती है, जिस भी पार्टी की सरकार आती है, वो कई सारे संशोधन को ले आना चाहती है संसद में, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हर नियम को पारित करा ले और सफल हो जाए। बहुत बार विधेयक आता है लेकिन पास नहीं हो पाता है। तो जो विधेयक पारित कराया जाता है, जिसे इंट्रोड्यूस किया जाता है संसद में, उसे कहते हैं बिल। जब उसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति फाइनल कर देते हैं, तब वो बनता है आपका अमेंडमेंट, संशोधन हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि बिल तो लाया गया लेकिन वो बिल फेल कर गया, पास नहीं हो पाया। तो जो बिल होते हैं इसकी नंबरिंग अलग होती है, और जो पारित हुआ बिल है, जो पास हो गया, सक्सेस हो गया, उसकी नंबरिंग अलग होती है। जैसे कोई बिल को लाने का हम प्रयास किए, वो 100वें नंबर पर था, जैसे पिछले 75 को सरकार गया है, नेहरू से लेकर आपके मोरारजी देसाई से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, कितने लोगों ने किया, तो उसी तरह आज भी चलते हैं। तो मान लिया कि वो 100वां बिल था और यह बिल पारित हो गया, तो पारित होने के बाद वो संशोधन कौन सा हो गया, 100वां संशोधन हो गया। मान लिया कि गवर्नमेंट ने अगला एक और बिल लाएगी, तो उसका नंबर 100 थोड़ी रहेगा, 101 रहेगा, लेकिन ये वाला फेल कर गया तो संशोधन हुआ नहीं। तो अगला कोई दूसरा विधेयक लाई गवर्नमेंट, कि ये कोई दूसरा विधेयक लेके आते हैं खेलकूद से संबंधित, वो भी पारित नहीं हो पाया, तो इसका नंबरिंग चलते रहेगा, भले पारित हो या ना हो, नंबरिंग चलेगा, पारित नहीं हो पाया इसलिए संशोधन नहीं हुआ। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई और नियम लगाया कि विदेश से व्यापार करने पर हम कोई नियम लगाते हैं, तो फिर उसका भी सीरियल नहीं आएगा, वो 103 हो जाएगा, यह भी विपक्ष के दबाव के चलते पारित नहीं हो पाया, तो यहाँ भी संशोधन नहीं होगा। ये बिल जो है, आप जिस बिल के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं, ये हमेशा काउंटिंग चलती रहेगी, भले वो पारित हो या ना हो। अब पारित हुए वाले का भी काउंटिंग अलग हो जाएगा, तो यहाँ हो गया। इसी तरह से संसद में 122वां नंबर पे जो प्रयास किया गया था, जो बिल लाया गया था, वो 122वां नंबर पर लाया गया बिल के अंदर ही चर्चा थी जीएसटी की, और इसको बीजेपी ने पास करा लिया। और जब पास कराया तो इसका नंबरिंग अब इधर के आधार पर थोड़ी होगा, अब ये सक्सेसफुल पास वाले नंबरिंग में होगा, तो इसका नंबरिंग बताइए 100 के बाद कितना आ गया, 101वां। तो कहेगा कि जीएसटी पारित कराने वाला बिल कौन सा था, तो वो 122वां नंबर का विधेयक बिल था, और कहेगा कि जीएसटी का जो संशोधन है, यानी सक्सेसफुल संशोधन, संशोधन तभी होगा जब सक्सेस हो जाएगा, तो संशोधन कौन सा था, तो 101वां संशोधन। बिल कौन सा था, तो 122वां बिल था, जो प्रयास में सफल हो गया। याद रखिएगा, अब कुछ लड़का कहता है कि सर दोनों सही है, कुछ कहता है ऑप्शन में जो पहले रहेगा उसको मारना। अरे भाई, क्वेश्चन पढ़िएगा, बिल पूछ रहा है तभी होगा, और संशोधन यानी अमेंडमेंट पूछ रहा है तो ये होगा। तो आप जीएसटी के टोटल टाइप समझ गए, जीएसटी का नंबर वगैरह, बिल कैसा दिखता है, कितने स्लैब होते हैं, जीएसटी एन क्या है, इन क्या है, ये जीएसटी समझ गए, जीएसटी तो समझ गए। अब रही बात पत्नी का दिमाग, भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमारा अभी शादी नहीं हुआ है, इंगेजमेंट ही हुआ है। आप लोग का जब इंगेजमेंट होगा ना, तो बहुत ज़्यादा गिफ्ट आएगा, कुछ इधर से कुछ उधर से। तो हमारे लिए एक तो गिफ्ट आया, घड़ी, बहुत महंगा। तो हम बोले भाई इतना महंगा भेजने की क्या जरूरत है, ये गिफ्ट उठ। तो उधर से लोग भड़क गए, भाई अरे भाई, न जाने किसने शुरू किया ये तोहफे को लेने और देने का दस्तूर, गरीब इंसान अब मिलने से कतराता है। यार ये क्या मतलब बनता है इतना, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है कि देखिए, हम लोग जो हैं, समझना चाहिए हम लोग को भी कि हम ये जो बड़े बड़े शादी ब्याह में खर्च कर रहे हैं या बड़े बड़े गिफ्ट दे रहे हैं, ये दर पर्दा हम इस हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी दीवार खड़ी कर रहे हैं, एक अमीर और एक गरीब की। देखिए इससे क्या होगा कि अगर हम लोग बड़े बड़े गिफ्ट देंगे उन अपने में, तो एक गरीब इंसान कहाँ से दे पाएगा, तो उसे अपना रिश्ता थोड़ा कमज़ोर लगने लगेगा, इसमें उसकी क्या गलती है। तो ये सब सोच नहीं रहनी चाहिए। आप इतना ही बस समझा दिए तो भाई झगड़ा हो गया हम लोग में, अब हम क्या करेंगे भाई, हम पुराने ख्याल वाले लोग। अब हर कोई दीवाना है बनावटी उसूलों का, हम ये सादगी लेकर कहाँ जाए। भैया हम लोग को पसीना उसीना भी होता है, तो हम बिहार वाले लोग हैं भाई, गमछा उमछा से पोछ लेते हैं, नौटंकी करने नहीं जाते हैं कि भाई कूलर लगाओ एसी लगाओ यहाँ पे। अब उन लोग को कौन समझाए, भाई पत्नी को समझाने में उतना ही मेहनत है जितना दादी जी को आईफोन सिखाने में है। देखिए वैसे भी हम कहना चाहेंगे सबसे कि बहुत ही फैशनेबल ज़िंदगी जीने से बहुत कुछ नहीं मिल जाता है। आप जो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं भैया, उससे अच्छा आप किसी की मदद कर सकते हैं। सोचते हैं कितना पसीना बहाते हैं ये मजदूर लोग। और सबसे तकलीफ क्या लगता है कि जो ये मजदूर बोरी को उठा लेता है ना, लेकिन इसके औकात नहीं कि इतना बोरी खरीद सके।
और जिसकी औकात होती है कि वो इस बोरी भरे अनाज को खरीद सके ना, उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि जो इसे उठा सके। खैर ये सब अलग बातें हैं, आई होप आप जीएसटी समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।